2014 में अभूतपूर्व जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी इस कदर आश्वस्त हो गई कि 2019 के मुकाबले में वो ना सिर्फ एक बार फिर सत्ता की दहलीज लांघने का दावा कर रही है बल्कि मिशन 350 प्लस का नारा लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के जुबान पर केवल जीत के ही दावे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। एक सर्वे में सामने आया है कि एक महीने के भीतर मोदी सरकार की लोकप्रियता में गिरावट आई है। बालाकोट हमले के बाद से ही मोदी सरकार लगातार इस मुद्दे को भुना रही है। पीएम मोदी हर मंच से राष्ट्रवाद के गीत गा रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी सरकार के लिए जादू की छड़ी का काम नहीं करने वाला। दरअसल सी वोटर INS ट्रैकर के सर्वे में बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार को पसंद करने वालों की रेटिंग में 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच 12 अंकों की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार की प्रदर्शन रेटिंग 26 फरवरी को बालाकोट हमले के बाद के दिनों में काफी बढ़ गई थी और 7 मार्च को यह 62.6 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन 22 मार्च तक 50 से 59 के बीच रहने के बाद पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले 12 अप्रैल को सरकार को पसंद करने वालों की रेटिंग घटकर 43.25 रह गई, जबकि ठीक एक महीने पहले 12 मार्च को सरकार को पसंद करने वालों की रेटिंग 55.28% थी। बताया जा रहा है कि 7 मार्च को 51.32% उत्तरदाताओं ने कहा था कि वो सरकार के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट हैं। हालांकि सर्वेक्षण में शामिल सभी लोगों के जवाब को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए लोगों की नेट अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरावट में रही है और यह पुलवामा हमले की घटना से पहले के स्तर पर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को सरकार को पसंद करने वालों की रेटिंग 32.4 थी और मध्य फरवरी के बीच जब पुलवामा हमला हुआ तब लगातार बढ़ने से पहले पूरे महीने 30-40% के बीच बनी रही और इसके बाद बालाकोट हवाई हमले की कार्रवाई के बाद रेटिंग में तेजी से वृद्धि हुई थी। इसी को देखते हुए मोदी सरकार इस बार चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ रही है। ऐसे में इस सर्वे सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट।